एक बार की बात है एक बंदर नदी के पास एक पेड़ पर रहता था बंदर अकेला था क्योंकि उसका कोई दोस्त या परिवार नहीं था लेकिन वह खुश और संतुष्ट था पेड़ उसे खाने के लिए बहुत से मीठे जामुन देता था सूर्य से छाया देता था और बारिश से आश्रय देता था उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था और एक दिन वह तैरकर नदी के तट पर बंदर के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए आ गया नमस्ते बंदर ने पुकार कर कहा जो बहुत दोस्ताने वाला पशु था नमस्ते मगरमच्छ ने आश्चर्य से कहा क्या तुम जानते हो कि मुझे कुछ भोजन कहाँ मिल सकता है उसने पूछा मैंने दिन भर कुछ नहीं खाया और मुझे सच में भूख लगी है अब आप शायद यह सोच सकते हैं कि मगरमच्छ बंदर को खाना चाहता था लेकिन यह बहुत दयालु और सज्जन मगरमच्छ था और यह विचार उसके दिमाग में आया ही नहीं था बंदर ने कहा जो बहुत दयालु था मेरे पेड़ पर बहुत सारे फल लगे हैं तुम कुछ खाना पसंद करोगे उसने कुछ फल मगरमच्छ के पास नीचे फेंक दिए मगरमच्छ को इतनी भूख लगी थी कि उसने वे सभी जामुन खा लिए हालांकि मगरमच्छ आमतौर पर फल नहीं खाते उसे वह मीठा और छटपटे फल बहुत पसंद आया और जब उसका पेट भर गया तो बंदर ने कहा जब तुम्हें और फल चाहिए तो मेरे पास चले आना जल्दी ही मगरमच्छ बंदर के पास रोजाना आने लगा वे दोनों जानवर अच्छे दोस्त बन गए वे बातें करते थे और एक दूसरे को कहानियां सुनाते थे और साथ मिलकर बहुत से जामुन खाते थे एक दिन मगरमच्छ ने बंदर को अपनी पत्नी और परिवार के बारे में बताया बंदर ने कहा जब तुम आज वापस जाओ तो कृपया कुछ फल अपनी पत्नी के लिए भी ले जाना मगरमच्छ की पत्नी को भी जामुन बहुत पसंद आए उसने इससे पहले इतना मीठा कुछ भी नहीं खाया था लेकिन वह उतनी उदार और कोमल नहीं थी जितना उसका पति था और उसने कहा कल्पना करो कि बंदर कितना मीठा होगा क्योंकि वह रोज़ाना यह फल खाता है लेकिन दयालु मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को यह समझाने की कोशिश की वह शायद बंदर को नहीं खा सकेगा वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है उसने कहा लेकिन उसकी लालची पत्नी ने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी बात मनवाने के लिए उसने नाटक किया कि वह बीमार हो गई है मैं मर रही हूं और केवल मीठे बंदर का दिल ही मुझे ठीक कर सकता है वह चिल्ला चिल्लाकर अपने पति के आगे रोने लगी यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो तुम अपने दोस्त बंदर को ले आओगे और मुझे उसका दिल खाने दोगे बेचारा मगरमच्छ नहीं जानता था कि वह क्या करे वह अपने दोस्त को नहीं खाना चाहता था लेकिन वह अपनी पत्नी को भी मरने देना नहीं चाहता था आखिरकार उसने तय कर लिया कि उसे क्या करना चाहिए और जब वह अगली बार बंदर के पास गया तो उसने उसे अपने घर आने और अपनी पत्नी से मिलने के लिए कहा क्योंकि कि वह मीठे जामुनों के लिए उसे मिलकर धन्यवाद देना चाहती थी बंदर यह सुनकर बहुत खुश हुआ लेकिन उसने कहा कि वह शायद जा नहीं सकेगा क्योंकि उसे तैरना नहीं आता उसकी चिंता मत करो मगरमच्छ ने कहा मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाऊंगा। बंदर ने उसकी बात मान ली और वह मगरमच्छ की पीठ पर कूद गया तो वे दो दोस्त तैरकर गहरी नदी के बीच में पहुंच गए जब वे नदी के किनारे और जामुन पेड़ से बहुत दूर आ गए तो मगरमच्छ ने कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूं लेकिन मेरी पत्नी बहुत बीमार है और वह कह रही है कि सिर्फ बंदर के दिल से ही उसका इलाज हो सकता है इसलिए मुझे कैद है कि मुझे तुम्हें मारना होगा हालांकि मुझे तुम्हारी बातें बहुत याद आएंगी बंदर ने जल्दी से सोचा और कहा प्रिय मित्र मुझे तुम्हारी पत्नी की बीमारी की बात सुनकर बहुत दुख हुआ है और मुझे खुशी है कि मैं उसकी मदद कर सकूंगा लेकिन मैंने तो अपना दिल जामुन के पेड़ पर ही छोड़ दिया है मुझे लगता है कि हमें वापस जाना चाहिए ताकि मैं तुम्हारी पत्नी के लिए अपना दिल ला सकूं मगर मच्छ ने बंदर की बात पर विश्वास कर लिया वह पलटा और जल्दी से तैरकर जामुन के पेड़ तक पहुंच गया बंदर उसकी पीठ से कूद गया और सुरक्षित रूप से अपने पेड़ पर चढ़ गया मैं सोचता था कि तुम मेरे दोस्त हो उसने पुकार कर कहा क्या तुम नहीं जानते कि हमारा दिल हमारे साथ ही होता है अब मैं कभी तुम पर भरोसा नहीं करूंगा और तुम्हें अपने पेड़ से फल भी नहीं दूंगा चले जाओ और फिर वापस मताना मगर मच्छ को लगा कि वह वास्तव में मूर्ख बन गया है उसका अच्छा दोस्त और अच्छे मीठे फल खो गए थे बंदर ने खुद को बचा लिया था क्योंकि उसने जल्दी से सोचा था लेकिन उस दिन से उसने कभी फिर मगरमच्छों पर भरोसा नहीं किया हालांकि बंदर मगरमच्छ को धोखा दे देता है और अपनी जान बचा लेता है जबकि बेवकूफ मगरमच्छ को खाली हाथ जाना पड़ता है वह बंदर से अपनी दोस्ती भी खो देता है बंदर और मगरमच्छ की कहानी का उपदेश यह है कि मुसीबत के समय व्यक्ति को समस्या से बाहर निकलने के लिए शांत रहना चाहिए आज की कहानी को देते हैं विराम और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ तब तक के लिए धन्यवाद